गुड मॉर्निंग क्लास 9th। एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था आपका, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? किसी भी कह सकते हो आप कि डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, कोई भी चीज़ कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है, ये बताना ही क्या होता है, टेम्परेचर होता है। इसको आप हॉटनेस के बेसिस पे और कोल्डनेस के बेसिस पे बता सकते हो। इसका यूनिट क्या होता है? डिग्री सेंटीग्रेड। और आपने पढ़ा भी होगा, एक और होता है केल्विन, ठीक है ना? क्योंकि हर साल हर बार जो है कन्वर्जन पूछ लेते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे, केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? 273 आपको प्लस करना पड़ेगा। जब किसी भी डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में जब आप 273 प्लस करेंगे तो किसके बराबर होगा? केल्विन के। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और मैं बोलूँ कि कन्वर्ट इंटू केल्विन, तो आप कैसे करेंगे? 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 20 प्लस 273, ठीक है ना? ये आपका आ जाएगा 293 केल्विन। इसी का जस्ट उल्टा अगर मैं लिख दूँ, 343 केल्विन इज इक्वल टू क्या होगा? तो आपको कन्वर्ट करना है इसको डिग्री सेंटीग्रेड में, तो केल्विन से जब डिग्री सेंटीग्रेड में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? 273 माइनस करना पड़ेगा, मतलब 343 माइनस 273, ठीक है ना? तो अब कितना आएगा? 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना? तो इस तरह से आप टेम्परेचर को कन्वर्जन कर सकते हैं। ये हर बार पूछता है कन्वर्जन कि सेल्सियस से डिग्री में कन्वर्ट करिए, केल्विन में कन्वर्ट करिए, और केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करिए। तो ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद कुछ छोटा अगर होगा तो आपको हम आगे उसको बता देंगे, ठीक है? ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद इसमें से आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। अब वो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की बुक से, ठीक है? आप अपनी बुक उठाइए एनसीईआरटी की, आप सबके पास क्लास 9 की बुक होगी। अगर नहीं होगी तो आप एक बार रिप्लाई दे दीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चंस के स्क्रीन क्वेश्चन को क्या कहते हैं पिक ले करके उसकी आपके ऐप पे सेंड कर दूँगी, ठीक है? लेकिन आप बता दीजिएगा अगर आपके पास बुक नहीं अवेलेबल है तो, अदरवाइज़ अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप उस बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। क्वेश्चंस पे जो भी डाउट हो आप उसे वहाँ पे लिख दीजिएगा, जो भी डाउट रहेगा आपका कमेंट्स में मैं देख लूँगी, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दिया जाएगा, ठीक है? और जहाँ तक इस चैप्टर के पीडीएफ की बात है तो आपको जल्दी ही मिल जाएगा, फिलहाल आपने अपनी बुक से पढ़िए आप लोग, ठीक है? ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, पहले आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। ओके, गुड बाय।